हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप दूसरों का कोई भी कंटेंट यूज़ करते हो, उस कंटेंट की वजह से आपका जो चैनल है डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना है और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन होने के बाद किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, कितना दिन बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको जानना है तो फिर देखते रहिए इस वीडियो। अभी चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और कितने दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने उस चैनल का डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। वहाँ पर देखिए, इस चैनल मोनेटाइजेशन था पहले, अभी इस चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर देखिए, मोनेटाइजेशन था या फिर नहीं था पहले, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एनालिसिस पर आया हूँ। एनालिसिस पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, अर्निंग भी यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये जो चैनल है मोनेटाइजेशन है। फिर से मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता हूँ। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पर देखिए, नीचे लर्न मोर पर अगर मैं दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या चीज शो करता है। ये देखिए यहाँ पर, रीयूज कंटेंट आ चुका है। इस पर अगर मैं दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए किस वजह से रीयूज कंटेंट आया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। रीयूज कंटेंट की वजह से मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का जरिए अगर आप दूसरों का कोई भी वीडियो यूज नहीं करते हो तो फिर इस ऑप्शन का जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का जरिए आप 3 मंथ बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 3 मंथ बाद अप्लाई करने से पहले आपका जो वीडियो है, कितना वीडियो दूसरों का वीडियो यूज किया है, उस वीडियो को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ही जब भी ये अप्लाई का बटन आ जाए, उसके बाद आप बहुत ही इजिली अप्लाई कर सकते हो। आप इसी तरीके से बहुत ही इजिली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल बटन मिलेंगे उस पर भी प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं बहुत ही तुरंत मिल जाए आपके पास।